घटना घटी और कैसे घटी है? हम लोग भारत मुक्ति मोर्चा का कार्यक्रम था, जा रहे थे और भावर चौक पर पहुंचे हैं तो रखे थे और हम लाठी तलवार से हम लोगों के अथी पर प्रहार कर दिया। कितने लोग घायल हुए? घायल लगभग 15-20 के संख्या में हुआ। भारत बंद का आह्वान विभिन्न राजनीतिक दल और संगठनों द्वारा किया जा रहा था। यह बंद सीए, एनपीआर और एनआरसी के विरुद्ध में था। ऊपरी अनुमंडल ही नहीं, सीतामढ़ी नहीं, बहुत जगह विरोध में भी जुलूस निकल रहे हैं, समर्थन में भी जुलूस निकल रहे हैं। लेकिन आज एक इन लोगों के साथ एक बैठक करने का उद्देश्य यह हुआ कि कुछ बातें आप लोगों को शेयर की जाए। एक दूसरी बात यह है कि यहां एक सुबह में और इस बंदी का मेन मुद्दा है जो है सीएए, एनआरसी जैसे काले कानून के खिलाफ आज यहाँ पूरा भारत बंद है। इसको लेकर हम लोगों ने तमाम दुकानें बंद करवा कर आज यहाँ पर हम लोग जमा हुए हैं। ये बात सच है कि इस देश में दो धाराएं चल रही है। वो धाराएं ये है कि एक तो संविधान को मानने वाले लोग और दूसरे गोडसे को मानने वाले लोग। जो लोग गोडसे को मानते हैं वो इस काला कानून का समर्थन करते हैं। हम लोग गांधीवादी तरीके से अपनी आवाज़ों को बुलंद कर रहे हैं और इस काले कानून के खिलाफ जो है आज आवाज़ों को बुलंद करके देश को और सरकार को बताने का काम कर रहे हैं कि ऐसा काला कानून जो लोगों के हित में ना हो उसको अविलंब वापस लिया जाए। सरकार को चाहिए थी कि शिक्षा पे बात करे, सरकार को चाहिए थी कि रोज़गार पे बात करे, सरकार को चाहिए थी कि इन युवाओं की बात करे, सरकार को चाहिए थी कि अल्पसंख्यकों और दलितों के बारे में बात करें। लेकिन इनको एनसीआर और सीए से फुर्सत नहीं और ऐसे काला कानून को लाकर ये अपने आप को हिटलर और तानाशाही वाली जो ज़िंदगी अपनाना चाह रहे हैं और लोगों के बीच में जो उतारना चाह रहे हैं ये बिल्कुल ही कदापि हम लोगों को पसंद नहीं और इसके खिलाफ लगातार सड़क से लेकर सदन तक आवाज़ों को बुलंद करने का काम इस देश की।